स्टूडेंट्स आज हम एक नुमेरिकल एग्जाम्पल की मदद मतलब से समझेंगे कि लेबर डिमांड कर क्या होता है ये एक हम सिंपल सी एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं टिपिकल फॉर्म की फर्स्ट कॉलम में वी हैव नंबर ऑफ वर्कर्स एंड इन सेकेंड कॉलम वी हैव यूनिट्स ऑफ आउटपुट सो व्हेन द फॉर्म इज़ एम्प्लाइंग फर्स्ट वर्कर सो इट इज़ गेटिंग एट यूनिट्स ऑफ आउटपुट टू वर्कर्स को जब हम एम्प्लॉय कर रहे हैं वी आर गेटिंग फिफ्टीन यूनिट्स ऑफ आउटपुट एंड सो ऑन थ्री वर्कर्स ट्वेंटी वन एंड सो एक तो चीज़ आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं सो टोटल आउटपुट इज़ इंक्रीजिंग एट फिफ्टीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी सिक्स एंड सो ऑन सो आप अगर इससे कनेक्ट करना चाहें पिछले लेक्चर से तो हमने देखा था कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ जो लेबर है ये पॉजिटिव है पॉजिटिव का ये मतलब था कि जब भी नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज करेंगे टोटल आउटपुट जो है वो इंक्रीज होगी। सो डिमेंड कर्व हम डिस्कस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप जानते हैं कि फॉर्म कितने वर्कर्स डिमेंड करेगी जहाँ पर रियल वेज जो है ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के इक्वल हो जाती है ठीक है दो दो तरह से इस बात को आप ले सकते हैं कि रियल वेज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के इक्वल हो जाए या नॉमिनल वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट वो नॉमिनल वेज के इक्वल हो जाए ठीक है मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को दरअर से सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं कि फॉर्म कितने यूनिट्स ऑफ़ वर्कर हायर करेगी जहाँ पर उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर की मनी वैल्यू ठीक है नॉमिनल वेज के इक्ल हो जाएगी तो वो फॉर्म्स को डिटर्मन करेगी उसकी लेबर डिमांड को डिटर्मन करेगी तो यहाँ हम माजम प्रोडक्ट ऑफ लेबर की बात करेंगे एंड मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर की बात करेंगे कि माजम प्रोडक्ट ऑफ लेबर को जब आप प्राइस ऑफ आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी नॉमिनल वैल्यू ऑफ़ द मार्जिन प्रोडक्ट जिसको हम कह रहे हैं एम आर पी एन सो हम दो दो प्राइसेस पर ये अपनी एग्जांपल सॉल्व करेंगे एक हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आउटपुट की प्राइस फाइव डॉलर्स uh, हैं पर यूनिट और दूसरी फिर हम देखेंगे कि अगर वो इंक्रीज कर जाती है डबल हो जाती है टेन डॉलर्स हो जाती है तो फिर क्या हो जाए? सो so, इस टेबल में पहले दो कॉलम तो वही है पहला कॉलम नंबर ऑफ वर्कर्स वन टू थ्री फोर अप टू सिक्स सेकंड वाई इज़ द टोटल आउटपुट ओके थर्ड कॉलम में हमने मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर कैलकुलेट किए कैसे कैलकुलेट होगी फर्स्ट वर्कर आपको दे रहा है टोटल आउटपुट एट तो जब कोई वर्कर नहीं था जीरो था तो आउटपुट कितनी हो गई सो so, जब आप जीरो से वन पर मूव कर रहे हैं तो टोटल आउटपुट चेंज हो रही है भाई यूनिट्स ठीक है वो मैंने कॉलम नहीं बनाया लेकिन आप सिंपल बात है समझ सकते हैं कॉमन सेंस की बात है कि जीरो वर्कर जीरो आउटपुट वन वर्कर एट यूनिट्स ऑफ आउटपुट सो फर्स्ट वर्कर आकर आपकी टोटल आउटपुट में एट यूनिट्स का इजाफा कर रहा है सो दिस इज द मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट वर्कर सिमिलरली सेकेंड वर्कर जो है टू वर्कर्स टोटल फिफ्टीन यूनिट ऑफ आउटपुट राइट और सेकेंड वर्कर कितना देर है टू और सेकेंड का डिफरेंस आप अल्फाज से भी समझ होंगे जब हम टू की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि हम पहले को भी उसमें शामिल कर रहे हैं ना यानी दोनों मिलकर आपको दे रहे हैं पंद्रह यूनिट्स की लेकिन दूसरा कितना देर है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे पहला चूंकि आठ दे रहा था दूसरे की वजह से हमें सेवन यूनिट्स और मिले हैं सो दिस सेवन इज एक्चुअली द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड वर्कर एंड सो ऑन थर्ड थ्री वर्कर्स जब मैं थ्री कह रहा हूं तो इस, इसका मतलब ये कि मैं पहला दूसरा और तीनों उसमें शामिल हैं तो तीनों मिलकर ट्वेंटी वन यूनिट ऑफ आउटपुट दे रहे हैं और थर्ड जो है वो आपको सिक्स दे रहा है एंड 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 सो ऑन इस तरह से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ये बेसिकली दिस इज द डिफरेंस सेकंड वर्कर क्या होगा डिफ्रेंस होगा बिटवीन द टोटल आउटपुट ऑफ टू वर्कर्स एंड द प्रीवियस वैल्यू सो थर्ड कालम में मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ फ्लेबर हमने कैलकुलेट किए सो ये भी आप देख रहे हैं कि पहले यूनिट जो है वो आठ दूसरा सात एंड छः पाँच चार तीन सो so, क्या अगर आप इसको कनेक्ट करें पिछली बातों से तो क्या दो बातें इसमें आपको नजर आएगी एक तो ये कि मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ फ्लेबर यानी थर्ड कॉलम के तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं पहली बात ये और दूसरी बात ये कि वैल्यूज़ कम होती चली जा रही हैं राइट पॉजिटिव हमने क्यों कह रहे हैं क्योंकि हमारी दमशन है कि माजम प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज़ पॉजिटिव और कम होती चली जा रही हैं ये भी हमारी दमशन है कि माजम प्रोडक्ट इज़ डिमिनिशिंग सो ये वही इकोनॉमिक थ्योरी है जो यहाँ इस एग्जाम्पल की मदद से हम इसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और फोर्थ जो कॉलम है उसमें हम क्या कर रहे हैं हम थर्ड कॉलम को प्राइस ऑफ आउटपुट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम अज्यूम कर रहे हैं कि प्राइस आउटपुट के एक यूनिट की प्राइस जो है वो फाइव डॉलर है ठीक है मार्जिन प्रोडक्ट कितनी थी एट मल्टीप्लाइड बाई फाइव इज गिविंग यू फोर्टी एंड सो ऑन सेवन मल्टीप्लाइड बाई फाइव इज थर्टी फाइव एंड एंड सो ऑन सो ये जो सेकेंड लॉस कॉलम है दिस इज गिविंग यू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द मार्जिन प्रोडक्ट थर्ड कॉलम क्या बताता था मार्जिनल प्रोडक्ट यानी जो भी चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं ये उसके यूनिट बताता है राइट right? अब जो भी जो भी चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हैं ये उसके फिजिकल यूनिट्स बताता है कंप्यूटर प्रोड्यूस कर रहे हैं या कोई भी और चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये उसके फिजिकल और नेक्स्ट कॉलम में हम क्या है क्या उसकी नॉमिनल वैल्यू हम उसकी कैलकुलेट कर रहे हैं कि फर्स्ट वर्कर जो आकर आपको कितने फोर्टी डॉलर्स की आउटपुट प्रोड्यूस करके देता है और थर्ड कॉलम में हमने क्या कहा था कि आउटपुट के एट यूनिट प्रोड्यूस करके देते हैं और इसी तरह से नेक्स्ट जो सेकंड वर्कर आता है वो आउटपुट के कितने यूनिट प्रोड्यूस करता है सेवन ठीक है लेकिन जब आप उसकी नॉमिनल वैल्यू लेंगे इसको आउटपुट की प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कहेंगे कि वो थर्टी फाइव डॉलर्स की आउटपुट आपको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एंड सो ऑन और जब लास्ट कॉलम में हम क्या कर रहे हैं आउटपुट की प्राइस इंक्रीज़ कर दी डबल कर दी जब ये डबल हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि मार्जिन प्रोडक्ट सेम है एट बट नाउ द वैल्यू ऑफ दैट मार्जिन प्रोडक्ट हैज़ बिन डबल फोर्टी से वो एटी गई है थर्टी फाइव से सेवेंटी हो गई है एंड एंड सो ऑन सो अगर प्रोडक्ट की प्राइस यानी आउटपुट की प्राइस फाइव डॉलर है तो हाउ मैनी वर्कर्स विल इट हायर इफ द नॉमिनल वेज इज थर्टी एट ठीक है इसी टेबल पर हम देखते हैं कि अगर नॉमिनल वेज थर्टी एट डॉलर है तो फर्म्स कितने वर्कर हायर करेगी इस टेबल से हमें क्या पता चला कि फर्स्ट वर्कर जो है वो कितनी आउटपुट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 40 डॉलर की और उसको वो वेज कितने ले रहे हैं थर्टी एट तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वर्कर जब फर्म हायर करेगी तो उसको एम्प्लॉय करने की वजह से फर्म का जो प्रॉफिट है उसमें टू डॉलर्स का इजाफा हो जाएगा यानी वो कंट्रीब्यूट कर रहा है फोर्टी और ले रहे थर्टी एट तो उसकी वजह से फर्म को दो डॉलर का फायदा हो रहा है लेकिन अगर फर्म सेकंड वर्कर को हायर करेगी तो वो आके कंट्रीब्यूट कितना करेगा थर्टी फाइव लेकिन वेज वेज तो फिक्स है हमने बात की है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन है वेज तो फर्म के कंट्रोल में नहीं है फर्स्ट वर्कर को भी फर्म ने थर्टी डॉलर पे करने हैं सेकेंड को भी उसने थर्टी डॉलर पे करने हैं तो सेकेंड वर्कर को जब वो थर्टी पे करेगी जबकि वो वर्कर कंट्रीब्यूट कर रहा है आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है थर्टी फाइव की तो इसमें तो फर्म को थ्री डॉलर्स का लॉस हो रहा है तो ऑबियसली फर्म को ये वर्कर हायर नहीं करना चाहिए तो अगर आउटपुट की प्राइस पाँच है और जो मार्केट में बेच रेट है वो थर्टी एट है तो फर्म कितने वर्कर्स हायर करेगी जस्ट एक वर्कर हायर करेगी लेकिन इसी बात को हम इस तरह से लेते हैं कि अगर आउटपुट की प्राइस डबल हो जाती है फाइव की बजाय टेन हो जाती है और मार्केट में वेज रेट थर्टी एट ही रहता है तो अब फॉर्म्स कितने वर्कर हायर करेगी पहला वर्कर आके कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? रहेटी डॉलर्स का और उसको वेज कितनी देनी पड़ रही थर्टी एट तो ज़ाहिर है ये फॉर्म्स के टोटल प्रॉफिट में इजाफे का बायस बन रहा है तो फर्म शुड हायर दिस वर्कर सेकेंड वर्कर अगेन सिमिलर केस है कि वो कंट्रीब्यूट कर रहा है सेवेंटी डॉलर्स और उसको उजरत हमें कितना देना पड़ रही है थर्टी एट तो इसको हायर करना भी फर्म के फ़ायदे की बात है नेक्स्ट वर्कर भी यही सूरत हाल है फोर्थ भी सूरत हाल यही है फिफ्थ भी ये लेकिन सिक्स पर अगर आप आएँ तो सिक्स वर्कर्स कंट्रीब्यूट कर रहा है थर्टी डॉलर्स लेकिन वेज तो थर्टी एट पर फिक्स है तो इसका मतलब ये है कि इस सूरत हाल में हॉम्स कितने वर्कर्स हायर करेगी हॉम जस्ट फाइव वर्कर्स हायर करेगी और सिक्स वर्कर को वो हायर नहीं करेगी और इसी बात को समझने के लिए हम और इसमें एग्जांपल्स ले सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर वेज रेट थर्टी एट की बजाय ट्वेंटी सेवन हो जाती है तो क्या हो जाएगा तो ये बात भी आप उसी टेबल से हम समझ लेते हैं हम पहले वाला केस लेते हैं कि आउटपुट की प्राइस फाइव है ठीक है तो पहले जब 38 एट वेज थी तो फर्म सिर्फ एक वर्कर हायर कर रहे थे इसलिए कि सेकंड वर्कर उसको लॉस का सबब बन रहा था लेकिन अगर उसकी अब वेज ट्वेंटी हो जाती है तो अब उसके लिए सेकेंड भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा थर्ड भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा लेकिन फोर्थ जो है ये अब उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा तो वेज के कम होने से अब नंबर ऑफ वर्कर्स जब 38 थी तो वो एक वर्कर हायर कर रहा था और अब अगर 27 है तो वो एक की बजाय तीन तो ये एक तरह से आप देख सकते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप आ रहा है ना कि वेज कम हो रही है और नंबर ऑफ वर्कर जो हम हायर कर रही है ये इंक्रीज़ हो रही है डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज कर रही है तो ये आपको एक नेगेटिवली स्लोप डिमांड तरफ देगा इसी तरह आप इसको और समझ सकते हैं कि अगर वेज 27 से 22 हो जाएगी और कम हो जाएगी तो डिमांड फॉर लेबर और इसमें इंक्रीज हो जाएगी सो ग्राफिकली अगर आप इसको शो करना चाहें तो सिंपली हम मैंने दो ग्राफ आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर ठीक है ना तो एक्स एक्सेस दोनों के सेम है एन एन क्या है आपके पास नंबर ऑफ वर्कर्स लेकिन वर्टिकल एक्सेस डिफरेंट है ठीक है इस पहले ग्राफ में हमने कैपिटल डब्ल्यू ली है और दूसरे ग्राफ में हमने स्मॉल डब्ल्यू ली कैपिटल डब्ल्यू का मतलब क्या है नॉमिनल वेज ओके और स्मॉल डब्ल्यू मीन्स रियल वेज तो ये जो ग्राफ है इसमें हम क्या ले रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर। जब नॉमिनल वेज वर्टिकल एक्सेस पर ले रहे हैं तो फिर हमारा जो कर्व है वो क्या शो कर रहा है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर। और जब रियल वेज ले रहे हैं तो फिर हम इसको मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर है तो आप उस टेबल से इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट वर्कर जो था आपको याद होगा कि फाइव जब उसकी थी आउटपुट की प्राइस राइट right? तो एट यूनिट वो प्रोड्यूस कर रहा था तो यहाँ पर हमने उसको एट माजम प्रोडक्ट की बात करें तो सारी रियल टर्म्स में डब्ल्यू भी रियल टर्म में है माजम प्रोडक्ट ऑफ फ्लेबर भी रियल टर्म में है तो एट आ रहा है लेकिन जब हम नॉमिनल टर्म में बात करेंगे तो इसको आउटपुट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एट इंटू फाइव फॉर्टी आ जाएगा तो इस तरह से ये नेगेटिव रिलेशनशिप आपको इसमें नज़र आ जाए इसको और डिफरेंट सिनेरियोस में केसेस में आप डिस्कस कर सकते हैं कि सपोज अगर कोई पॉजिटिव सप्लाई शॉक हो जाएगा उससे माजम प्रोडक्ट ऑफ फ्लेबर अगर बढ़ जाएगी तो उससे किस तरह से आपकी लेबर डिमांड इफेक्ट होगी तो ये सारी चीज़ें इस टेबल की मदद मतलब, से तो नूमेिकली आप इसको डिस्कस कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच